हमारे साथ आज एक बहुत बड़ा पोपट हो गया, वो ये कि हमारे आने से पहले पहले ही जो प्रोग्राम था यहाँ। हे गाइस और सब वेलकम बैक टू डेज न्यू व्लॉग। और आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ रात के 10:30 बजे। और इसकी वजह यह है कि इसकी वजह कुछ नहीं है, इसकी वजह है मेरा आलस। आजकल मैं काफ़ी आलसी हो गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। और इस आलस के मेरे कुछ नुकसान भी हुए हैं अपनी बॉडी में, तो वो मैं आपको जल्दी अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगा आने वाले में क्या क्या नुकसान हुए हैं। बहुत खतरनाक वाले नुकसान हुए जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ, हमारे घर के पास में एक प्रोग्राम है जहाँ पे मैं पिछले व्लॉग में बैठा था वहाँ चैंत्रों में, तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ सीन दिखाया था। नहीं, वहाँ पे आज संडे है तो इसलिए प्रोग्राम है, तो वहाँ पे चलते हैं और बाद में आपको पूरा सीन दिखाऊंगा। बहुत मस्त प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे, तो चलते हैं वहाँ पे। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो चलते हैं। तो जाने से पहले मैं अपनी घर की चाबी ले लेता हूँ, और जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, उसकी डिटेल बाद में आपको देंगे। हमारा घर का एक छोटा, ओ भाई, घर का छोटा सा दृश्य जो कि ये रहा, ये कूलर है। तो इस जैसे मतलब गाड़ियों की एसी नहीं होती है क्या, उस टाइप में ये चलता है, कुछ ऐसा सीन है इसका। तो बाकी इसका पूरा विवरण आपको वापस आने के बाद में देंगे। काफ़ी मस्त है ये कूलर। और अभी चलते हैं बाहर, पापा मम्मी और सभी तो पहले चले गए लेकिन मैं जा रहा हूँ उनके जाने के बाद में। अरे तू जा रही है? तो भाई एक दिक्कत ये है कि जब मैं मोटा था पहले, तो जो मेरे को पहले से जानते हैं उनको तो पता ही होगा मैं कितना मोटा था पहले, और जो नहीं जानते हैं वो जल्दी जान जाएंगे। कभी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा तो पता चल जाएगा। तो पहले मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा था और वही पहले जैसी हालत, मेरी लगभग पहले जैसी हालत अभी हो चुकी है। तो वो किस वजह से ये, वो आगे आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा। और अभी मैं आ गया हूँ चैंत्रो मतलब कि चौक में, तो आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ। मेरे पीछे जस्ट बार एक, तो गाइज एंटर होते ही कुछ ऐसा सीन है यहाँ से। तो यहाँ पे वो तबाकी है जहाँ से मैं टिकट लिया करता हूँ, और यहाँ पे होने वाला है प्रोग्राम, और यहाँ पे लोकल पुलिस वगैरह खड़ी है सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे ये सीन है। लाइट वगैरह कितनी मस्त तरीके से सजाई गई है, पूरी आगे तक, पूरी गली में सजाई गई है, पूरी आगे तक, काफ़ी दूर तक, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे मीटिंग चल रही है बड़े बुजुर्गों की, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और इस साइड में भीड़ हो रही है, कुर्सियाँ वगैरह लग रही है। और वहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी मस्त डेकोरेशन किया गया है, यहाँ पर कैमरा वगैरह सेटअप एकदम बढ़िया। और यहाँ पर स्टैचू भी है, एक दिखाता हूँ आपको, ये रहा स्टैचू। और यहाँ पे होने वाला है प्रोग्राम, यहाँ पे है काफी संख्या में भीड़। मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई शादी का फंक्शन था शायद तक, मेरे को पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पिछले हफ्ते से यहाँ पे कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी डांस का, कभी कॉमेडी का, कभी कुछ का। तो मुझे लगा आज भी कोई प्रोग्राम है, देखते हैं अभी आगे स्टार्ट होगा तो पता चलेगा। चलते हैं अभी ऊपर, यहाँ पे रहे मम्मी पापा ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का सीन। यहाँ पे मेरे जस्ट पीछे लगी हुई है एक क्लॉक, पेंटिंग क्लॉक, और यहाँ पे बहुत मस्त मस्त पेंटिंग लगी हुई है जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त मस्त पेंटिंग्स हैं। गाइस अभी मैं जिस रूम में आया हूँ वो रूम पूरा पेंटिंग रूम है जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। काफ़ी मस्त मस्त यहाँ पे पेंटिंग रचाई गई है, यहाँ पर भी बैक कैमरे से दिखाता हूँ अच्छी आएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ये पेंटिंग, और इस साइड में ये वाली, और इस साइड में चार लगी हुई एक साथ में, और इस साइड में तीन, और उस साइड में चार, इधर तीन, और इधर दो, और इधर एक, और बाहर भी काफ़ी सारी लगी हुई है। तो और भी बहुत सी जगह हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। और इस साइड में भी ये रूम है जो पूरा पेंटिंग से बना हुआ, पेंटिंग की पेंटिंग लगी हुई है सभी जगह। और इस साइड में आए तो यहाँ पर भी पेंटिंग्स हो रहे हैं काफ़ी सारी। अभी आ गए हैं नीचे की तरफ, और नीचे से कुछ ऐसा व्यू है, एकदम खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन जब मैं आया था उस टाइम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम की क्लिप आप आगे मिल जाएगी तो देख लेना।
अभी कुछ प्रोग्राम नहीं हो रहा इसलिए ये खाली पड़ा है पूरा। और यह बताया जाता है कि यहाँ का काफ़ी पुराना गढ़ है, मेरे को पता नहीं था, अभी मैंने पापा से पूछा तो पापा ने बताया है। और ऊपर जैसे पेंटिंग आपने देख ली, तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर देखते हैं क्या प्रोग्राम हो रहा है आज, मेरे को पूरा कंफर्म पता नहीं है। और तो जब प्रोग्राम होते हैं तो मैं पहले आके पता कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं घर पे ही था, आलस था इसलिए, तो चलते हैं बाहर। तो गाइस अभी हम गए थे इस जगह पे और यहाँ पे ये कुछ बाहर का ऐसा सीन है, और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं आप कितना अच्छे तरीके से सजा है, जैसे शादी है यहाँ पे किसी की। और वहाँ पे आगे भी काफ़ी मस्त तरीके से सजाया गया, आप आगे तक आप देख सकते हैं, बीच में ट्रक आ गया, कहाँ पे देखोगे, तो इतना सजाया गया। बाकी अभी देखते हैं थोड़ी देर में प्रोग्राम चालू होगा या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पे फाइटिंग चल रही है छोटे बच्चों की, और साइकिलिंग भी चल रही है। हमारे साथ आज एक बहुत बड़ा फोपट हो गया, वो ये कि हमारे आने से पहले पहले ही जो प्रोग्राम था यहाँ का, आज काफ़ी छोटा प्रोग्राम था, तो वो फिनिश हो चुका है। और यहाँ पे अभी सफाई कार्यक्रम चल रहा है, मतलब जो भी था उसको समेट के ले जा रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और मैंने सोचा कि आपको जो कूलर था हमारे घर का छोटा वाला, तो वो आपको कल नहीं, कल के बजाय मैं अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, हाथों हाथ। क्या सोच है रे तेरी? तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और वो देखो ये हमारा है छोटा कूलर, बिहाइंड द सीन पर ना जाएं, तो ये हमारा छोटा कूलर है। आपको मैं इसकी डिटेल बताता हूँ ऑन करके, तो पहले इसको चार्ज में लगाते हैं, क्योंकि इसके साथ में है चार्जर, ये देखो कितना बड़ा चार्जर है, तो इसको चार्ज में लगाएंगे, मतलब कि इसमें चार्ज वाली पिन लगती है, और इसको प्लग में डालेंगे, बाद में ये मस्त चलेगा वो, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट सेटअप करके दिखाता हूँ। गाइस बिहाइंड द सीन पर ना जाएं, मैं आपको भी सेटअप करके दिखाता हूँ। ये जो पिन है ये करेगी यहाँ पे, तो गाइस ये कुछ ऐसा सीन है। तो गाइस ये कुछ ऐसा कूलर है, तो मैं आपको पूरा लाइट बंद करके दिखाता हूँ, अच्छे से मस्त व्यू आएगा। तो लाइट बंद करने से पहले लाइट ऑन में दिखा देता हूँ आपको, ये कैसा दिखता है लाइट ऑन में, ये ऐसा दिखता है। और यहाँ पे इसमें पानी है साइड में, तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तो यहाँ से इसकी पावर ज़्यादा होती है, फैन बढ़ा सकते हैं इसका, और यहाँ से ये जो है लाइट चेंज होती है, क्योंकि साइड में पानी भी डाला गया है, साइड में पानी का सिस्टम है, और यहाँ पे चार्ज लगता है, और यहाँ पे अपन लाइट चेंज कर सकते हैं ऐसे इस तरह से, और हवा भी ले सकते हैं मस्त। लेकिन अभी आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो चलिए गाइस अभी लाइट बंद करता हूँ इसकी येलो, और अभी दिखाता हूँ आपको मस्त सीन कूलर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लाइट बंद है पूरी, तो अभी इसको ऑन करते हैं, ये देखो यहाँ से इसको तेज कर देते हैं, अब इसकी हवा तेज आएगी। और यहाँ पे जो है गाइस, यहाँ पे इसकी अलग अलग लाइट है, यहाँ पे लाइट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से मस्त ठंडी हवा आ रही है। तो ये फ़ोन की लाइट भी बंद करके आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो फ़ोन की लाइट बंद करने के बाद में कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, तो यहाँ पे ऊपर भी लाइट जल रही है, और साइड में भी लाइट जल रही है, तो साइड वाली लाइट को हम चेंज भी कर सकते हैं, ये देखो। सो गाइस कुछ ऐसा सीन है इस कूलर का, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो अभी आपसे कल मिलते हैं, और अभी टाइम हो गया सोने का, रात के 11 बज चुके हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक बाय। हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10। तो अभी मेरा काम यह है कि सबसे पहले मेरे को लेके आना एक सिलेंडर, और उसके बाद में आगे दिन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस अभी मैं चल दिया हूँ सिलेंडर भरवाने के लिए घर से, फाइनली सिलेंडर लेके आ गया हूँ जो कि घर के बाहर पड़ा है। गली गली तेरी लाज जली, जाने वाला हूँ चंत्रों में, जहाँ पे हम रात को गए थे, वहाँ पे रात को तो प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अभी दिन का प्रोग्राम है बताया जा रहा है हमारे गुप्त सूत्रों के द्वारा। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के चंत्रों की तरफ, मतलब चौक, तो आपको आवाज आ रही होगी दूर से ही कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी आपको पूरा सीन दिखाता हूँ, यहाँ की दुकानें वगैरह दिखाता हूँ, तो इन दुकानों में देख के आएंगे पहले क्या बढ़िया है क्या नहीं है, अगर कुछ लेने लायक होगा तो लेंगे। यहाँ से स्टार्ट होती है दुकानें, और आगे तक काफी दुकानें हैं, तो फर्स्ट दुकान है ये,
यहाँ पे बच्चों का सामान मिलता है जैसे खिलौने वगैरह हो गए। इसमें मेरे काम की कोई चीज नहीं है तो रुकने का फायदा भी नहीं है। और यहाँ पे ये सेकेंड दुकान है पर्स वगैरह की, तो यहाँ पे भी मेरे रुकने का सहार नहीं है। पर्स कैप चश्मे चश्मे मस्त मिल रहे हैं भाई। यहाँ पे फिर से बच्चों की दुकान और यहाँ पे खाने पीने का आइटम की दुकानों में घूम फिर के देख लिए हैं। मेरे लायक कुछ भी नहीं है, बच्चों का और का सामान है जो फिर टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सामान है, तो मेरे लिए कोई भी सामान नहीं है यहाँ पे। मैं चलता हूँ वापस घर की तरफ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय। सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा हूँ अपनी As you fade away